फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चीलो इन फस्किटेलिस ऑल्सो नोन एज शुगर केन स्टेम बोर तो ये एक ऐसा पेस्ट है जो कि शुगर की यानी कि गन्ने की खेती को खराब करता है और ये उनकी स्टेम में बोर करता है यानी कि टनल्स बनाता है सो इट्स द चीलो इन फस्किटेलिस अगेन ऑल्सो नोन एज शुगर केन स्टेम बोर नाउ लेट स्टार्ट विद दिस सिस्टमैटिक पोजिशन इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थरोपोडा क्लास इंसेक्टा ऑर्डर लेपिडोपटेरा फैमिली क्रेम्बीडे जीनस चीलो स्पीश इंफेस्टेलिस द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज़ दी करेक्टरिस्टिकडर लेपिडोपटेरा क्योंकि ये इंसेक्ट जो है ये ऑर्डर लेपिडोपटेरा से बिलोंग करता है तो इन द प्रिवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड की ऑर्डर लेपिडोपटेरा की क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं कि इनके पास सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ होता है और जितने भी बटरफ्लाइज़ और मौत्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है कंप्लीट होती है तो दे शो कंप्लीट मेटामोफोसिस ओवर हेयर जो चिलो इन्फेस्कटेलिस है वो एक मौत है इसके पास एक सिफोनिंग माउथ है सिफोनिंग मीन्स ट्यूब लाइक टंग विच हेल्प्स इन टेकिंग द नेक्टर वाटर एंड दी असेंशियल एलिमेंट्स विच विच फीड्स द इंसेक्ट तो इस पेस्ट को फीड करने के लिए इसके पास जो माउथ पार्ट है वो सिफोनिंग माउथ पार्ट है ये एक मौत है और इसको शुगर केन स्टेम्बोर कहा जाता है एंड इट बिलोंग्स टू दी ऑर्डर लेपिडोपटेरा जस्ट लाइक स्क्रपोहागा निवेला ऑल्सो कॉल्ड शुगर केन टॉपबोरर तो उसी की तरह ये भी जो है लेपिडोपटेरा ऑर्डर के अंदर आता है अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा जाए तो इट अकर्स थ्रू आउट इंडिया पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होती है वहाँ पे ये मिलता है लेकिन पंजाब में जो है ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तब कॉज करता है जब बरसात का मौसम आने वाला हो तो बरसात के मौसम से पहले पंजाब में जो शुगर केन की खेती होती है उसमें ये ज़्यादा जो है पेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है आ, आ, इन, इन पंजाब तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द बेस्ट चीलो इन्फेस्टेलिस विच इज़ अ मॉथ अगर इसकी हैबिट्स के बारे में बात की जाए कि इसकी हैबिट्स कैसी हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था कि लाइफ साइकिल ऑफ चीलो इन्फेस्टेलिस और दिस मॉथ इज़ कम्प्लीट लाइफ साइकिल ना कम्प्लीट का मतलब है कि चार स्टेजेस होते हैं मेटामोफोसिस के विच इज़ एग लारवा प्यूपा एडल्ट तो लार्वा मीन्स कैटापिलर तो जहाँ इस लार्वे को जो है कैटरपिलर कहा जाता है तो कैटरपिलर की बात की जाए तो कैटरपिलर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है आ, शुगर केन के इनके अंदर ये जो है बोर कर देता है यानी कि टनल बना देता है सो so, कैटरपिलर बोर्ड्स इन टू सेंट्रल शूट एंड मेक्स ए टनल ये सेंट्रल शूट यानी कि बीज के तने को आ, शुगर केन के या गन्ने के बीज के तने पे अटैक करता है और वहाँ पे बोर करना शुरू कर देता है एंड मेक्स अ टनल तो वहाँ पे टनल बनाना शुरू कर देता है अंदर ही अंदर थ्रू सेवरल तो हमें पता है कि जो स्टेम होती है उसमें नोड इंटर नोड्स आते हैं जो मेन स्टेम होती है ग्रास जो कि शुगर केन का है तो उसमें नोड्स होती हैं तो उन्हीं नोड्स के थ्रू ये टनल बनाना शुरू कर देता है और जो कैटरपिलर है जो ये लार्वा है इट फीड्स ऑन स्टेम कंटेंट यानी जितना शुगर कंटेंट जो स्टेम के अंदर होगा ये उस पर फीड करेगा और प्यूपेट भी उसी टनल के अंदर करेगा क्योंकि हमें पता है कि कैटरपिलर कन्वर्ट हो जाता है लार्वा के अंदर तो वो जो सॉरी कैटरपिलर कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा के अंदर तो प्यूपा भी जो है वो भी इसी पे फीड करेगा स्टेम पे फीड करेगा और कैटरपिलर भी जो है वो स्टेम पे फीड करेगा सो बोथ दे फीड ऑन स्टेम कॉन्टेंट एंड कैटरपिलर प्यूपेट इन दी टनल तो ये हो गया कैटरपिलर के बारे में यानि कि लार्वा के बारे में एक और चीज़ अगर हम ऐड कर सकते हैं इसमें कि जो कैटर कैटरपिलर है ये हाइबरनेशन शो करता है हाइबरनेशन का मतलब है कि अपने आप को एनवायरनमेंट से सर्दियों के वक्त विंटर के टाइम पे जब ये जो कैटरपिलर है अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पूरा कट कर ले और एक शील्ड अपने आसपास बना दे और एक इंटरनल अपना अलग से एनवायरनमेंट क्रिएट कर ले उसको हाइबरनेशन बोलते हैं तो कैटरपिलर जो है वो हाइबरनेशन शो करता है इन विंटर्स इन दी शुगर केन स्टबल नाउ टॉकिंग अबाउट एडल्ट कि एडल्ट के क्या क्या करेक्टर्स हैं तो जो एडल्ट मौत है यानी कि जो एडल्ट चिलो इन्फस्टेलिस है वो नॉक्चुरल है नॉक्चुरल का मतलब है कि रात के समय एक्टिव होना सो एडल्ट मॉथ आर नाक्चुरल विच मीन्स दे आर एक्टिव एट नाइट एंड देर आर फोर टू फाइव ब्रूड्स इन द एक्टिव पीरियड फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर मार्च से अक्टूबर तक जो है चार से पाँच ब्रूड्स होते हैं एक्टिव पीरियड होता है इनका मार्च से अक्टूबर तक यानी कि मार्च से अक्टूबर तक चलता है और बीच में ये हाइबर्नेशन शो करता है इन दैटपिल स्टेज एडल्ट की अगर हम देखें कि वो किस तरह से दिखता है तो जो एडल्ट मौत है एडल्ट चीलो इन्फिस के या शुगर केन स्टेम बोरर जो ये है इसका जो कलर है स्ट्रॉ कलर्ड है सो so, एडल्ट मौत इज स्ट्रॉ कलर्ड एंड मेजर्स वन पॉइंट फाइव इंचज इन विंग्स पैन तो इसकी जो अगर आ, इस तरह से हम अगर विंग खोल के इसकी मेजर करते हैं इंसेक्ट की इस पेस्ट के जो मेजर है वो है 1.5 पॉइंट फाइव इंचज इन विंग स्पैन तो इतना ये जो है चौड़ा या विंग्स के साथ मिला के इतनी इसकी मेजरमेंट होती है इतना इसका साइज होता है अगर इसके विंग्स की बात करें तो जो फोर विंग्स होते हैं जो कि आगे होते हैं और हाइड विंग्स पीछे होते हैं तो जो फोर विंग्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं हाइंड विंग्स जो है वो ग्रेश वाइट कलर के हैं सो द फोर विंग्स आर ब्राउन एंड हाइंड विंग्स आर ग्रेश वाइट इन कलर नेक्स्ट है इसकी so जो एडल्ट है उसकी पेल्पी जो है वो आगे की तरफ होती है नाउ वॉट इज़ पेल्पी पेल्पी आर सेंसरी अपेंडेज विच अराइज फ्रॉम द माउथ पार्ट्स तो जितने भी सेंसरी अपेंडेज हैं फॉर एग्जाम्पल मैगजिलरी पैल्प मैंडिब्यूलर पैल्प तो वो जितने भी हैं वो सारे सेंसरी अपेंडिजेस हैं तो जितने भी सेंसरी अपेंडिजेस जो कि माउथ से निकलते हैं एक इंसेक्ट के या एक पेस्ट के उसको हम कहते हैं पेल्पी तो पेल्पी जो है इस इंसेक्ट के वो आगे की तरफ है पेल्पी आर पॉइंटेड फॉरवर्ड राइट और ये एक एडल्ट जो है यानी कि एक एडल्ट चीलो इन्फेस्केटिस या एक एडल्ट मॉथ जो है इसकी जो लाइफ है वो दो से चार दिन की होती है यानी एडल्ट या पूरा दो या चार दिन तक जीता है उसके बाद जो है वो आगे एग ले करके ख़त्म हो जाता है सो लाइफ स्पैन ऑफ अडल्ट इज ऑफ टू टू फोर डेज ये इसकी टोटल लाइफ हो गई अगर हम कैटरपिलर की जैसे जो लार्वा है उसी को कैटरपिलर बोलते हैं तो ये कैटरपिलर हाइबरनेट करता है ये पहले भी बता दिया और ये प्यूपेट करते हैं जैसे कि लार्वा चेंज होता है प्यूपा में और प्यूपा में ये चेंज होता है फेबररी में यानी कि लार्वा दे प्यूपेट इन फेबररी एंड एमरज एज मॉथ इन मार्च तो प्यूपा जो है वो फेब तक बनता है फेबररी मंथ तक बनता है और मार्च आते आते वो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है एक एडल्ट चिलो इन्फेस्केटेलिस बन जाता है सो so, ये जो है मेन मेन हैबिट्स हैं इंसेक्ट की हैं इस पेस्ट की जो कि है शुगर केन स्टेम बोरर। अगर हम आ, बाकी चीज़ों पे देखें कि ये कैटरपिलर ये है या ये जो पेस्ट है ये बाकी चीज़ों पर भी फीड कर सकता है अदर देन शुगर केन इट ऑल्सो फीड्स ऑन बाजरा गूनिया ग्रास डब एंड सरकंडा तो ये जो है चार एग्ज़ाम्पल्स हैं प्लांट्स की जिन पे ये चिलो इन्फेस्कटेलिस पेस्ट जो है फीड कर सकता है मेन जो है इसका वो है शुगर केन तो शुगर केन के अलावा बाजरा गुनिया ग्रास डब एंड सरकंडा पे भी ये फीड करता है इसका कैटरपिलर ऑफ चिलो इन्फेस्केटेलिस सो दिस इज द हैबिट्स ऑफ चिलो इन्फेस्कटेलिस तो हैबिट्स में हमने पढ़ लिया कि कैटरपिलर जो है वो बोर करता है सेंट्रल शूट में प्रिपेट करता है स्टेम कंटेंट पे फीड करता है एडल्ट मॉथ जो है वो नॉक्चुरल होते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर फिर जो एडल्ट मॉथ है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है फोर विंग्स ब्राउन एंड हाइंड विंग्स ग्रेस वाइट होती हैं पेल्पी जो है वो आगे की तरफ होती है और लाइफ जो है एक एडल्ट मॉथ की वो दो से चार दिन तक होती है कैटरपिलर जो है वो हाइबरनेट करता है राइट right, राइट uh, right. और ये जो है कैटरपिलर फीड करता है बाजरा गुनिया, ग्रास डब एंड सरकंडा ये हो गई हैबिट्स ऑफ चिलो इन्फेस्कटेलिस नेक्स्ट थिंग वी नीड टू स्टडी इज़ दी लाइफ साइकिल ऑफ चिलो इन्फेस्किटेलिस तो चिलो इन्फेस्कटेलिस की जो लाइफ साइकिल है वो है कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट का मतलब है देर आर फोर स्टेजेस ऑफ मेटामोफोसिस विच इज़ एक्स लार्वा प्यूपा एडल्ट राइट दीज आर दी फोर स्टेजेस जिसमें ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है सो दैट्स वाई दे हैव कंप्लीट लाइफ साइकिल नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एग्स तो ये जो फीमेल मौत होती है फीमेल चिल्ड्रन फिस्कटेलिस होती है ये एग ले करती है क्लस्टर्स में ऑन अंडर सरफेस ऑफ लीव्स तो एक क्लस्टर्स में एग ले होते हैं दी अंडर सर्फिस ऑफ लीव्स और एक फीमेल जो है एक चिलो इनफिस फीमेल जो है वो 300 से 400 एग दे सकती है और जो एग होते हैं वो क्रीमी वाइट होते हैं एग्स आर क्रीमी वाइट एंड हैच इन फोर टू फाइव डेज सो एग्स को हैच होने में चार पाँच दिन लग जाते हैं 300 से 400 सौ अंडे दे सकती है एक बार में क्रीमी वाइट कलर के एग्स होते हैं और ये होते हैं क्लस्टर्स में ऑन दी अंडर सर्फिस ऑफ लीव्स तो ये बन गया एग अब एग से जो है चार पाँच दिन के बाद हैचिंग होती है और निकलता है लार्वा लार्वा यहाँ पे है कैटरपिलर। तो यहाँ पे जो लार्वा है या जो एक है जैसे ही अंडे से निकलेगा तो वो पत्ते से माइग्रेट करता हुआ चला जाएगा प्लांट बेस पे तो प्लांट बेस पे जाते ही ये क्या करना शुरू कर देगा बोर बिकॉज इट्स शुगर केन स्टेम बोरर एंड इट बोर्स इन टू द शूट टू फीड देयर तो वहाँ पे बोर करना शुरू कर देगा क्योंकि उसको फीड करना है लार्वे को कैटरपिलर को खाना भी चाहिए सो so, वहाँ पे फीड करने के बाद उसको मेच्योर होने में लग जाते हैं तीन से चार हफ्ते और ये मेच्योरिटी आती है आफ्टर फाइव मोल्ड्स तो यहाँ पे भी जो है जिस तरह हमने स्क्रपोहागा निवेला में पढ़ा है पायरीला पोपिसला में भी पढ़ा है तो यहाँ पे भी जो है फ़ाइव मोल्ड्स हमने तीनों में देख लिए कि हर बार जो है पांच बार मोल्टिंग होती है लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट करने के लिए इन केस ऑफ दी पेस्ट दैट मीन य टैक्स शुगर केन सच केन्ज स्क्रपोहागा निवेला एंड दिस पेस्ट विच इज़ चीलो इन्फेस्टेलिस तो यहाँ पे जो ये लार्वा है ये जो कैटर पिलर है बोर करके वहाँ पे फीड कर रहा है और तीन से चार हफ्ते हो चुके हैं और मोल्टिंग शुरू हो चुकी है तो तीन से चार हफ्ते बार ऐसा होता है कि पांच बार मोल्टिंग होती है मोल्टिंग इज़ दी शेडिंग ऑफ आउटर सर्फिस आउटर लेयर को जब जो है इंसेकट जो है वो निकाल देता है सो दैट इट कैन ग्रो इट कैन बिकम मेच्योर उसके लिए इसको जो है उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है सो so, मोल्टिंग होती है लारवा के अंदर पाँच बार तीन से चार हफ्ते लगते हैं और ये तब कन, जाके कन्वर्ट होता है टू प्यूपा अगर एक लार्वा की करेक्ट्रिस्टिक बताई जाए तो एक लार्वा जो है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एम एम होता है एक फुली ग्रोन लार्वा जो है बीस से पच्चीस मिलीमीटर mm तक लंबा होता है डर्टी वाइट एंड विद फाइव लाइट वॉयलेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी तो ये जो लार्वा है ये इस तरह से दिखता है कि बीस से पच्चीस मिलीमीटर mm लंबा होता है डर्टी वाइट कलर का होता है और पांच लाइट वॉयलेट और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स बनी होती हैं बॉडी पे जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि दिस इज़ दी लार्वा और कैटरपिलर ऑफ चीलो इन्फेस्कटेलिस लार्वा जो है प्यूपा बनने से पहले क्या करता है जो उसने टनल बनाई है उस टनल में ये होल करना शुरू कर देता है ताकि जैसे ही वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो तो प्यूपा से जैसे ही एडल्ट निकले तो वो शुगर केन से या उस गन्ने से निकलने में उसे मदद मिले यानी कि उसका एक आउटर चैम्बर या बाहर का रास्ता बना देता है लार्वा तो लार्वा क्या करता है यहाँ पे लिखा है इट एस्केट ए चैम्बर इन द केन विद एन एग्जिट तो एक एग्ज़िट मतलब बाहर को निकलने का रास्ता टनल से बाहर निकलने के रास्ते जो है लार्वा बनाना शुरू कर देता है ताकि जैसे ही प्यूपेट करे जैसे ही प्यूपा में कन्वर्ट हो आफ्टर फाइव मोल्ड्स तो प्यूपा से जब ये मौत बन जाता है प्यूपा से जब ये मौत बन जाता है तो वो एस्केप हो जाए यानी कि बाहर निकल जाए मौत बनने के बाद सो इट इट प्यूपेट्स एंड प्यूपा जो है वो छः से सात दिन तक प्यूपा बना रहता है और छः से सात दिन के बाद प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडल्ट और एडल्ट उसी एग्जिट जो उन्होंने टनल से बाहर एग्जिट बनाई है लार्वा ने वहीं से ये एडल्ट निकल जाता है तो इस पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में लग जाते हैं फाइव टू सिक्स वीक्स तो एक बार जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है विद इन फ़ाइव टू सिक्स वीक्स और एडल्ट की लाइफ स्पेन होती है दो से चार दिन तक तो इसी तरह से ये बार बार जो है फिर से एडल्ट जो है वो मेट करते हैं एट द फेवरेबल कंडीशन और तब मेटिंग के बाद फिर से फीमेल जो है वो एग्स ले करती है तीन से चार सौ एग्ज आर क्रीमी वाइट और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है सो दिस दिस इज़ दी लाइफ साइकिल ऑफ स्क्रपोहागा सॉरी चीलो इन्फेस्टेलिस which इज शुगर केन स्टेम बोरर तो इस तरह से जो है शुगर केन स्टेम बोरर का लाइफ साइकिल कम्प्लीट होता है और वो डैमेज कॉज करती है शुगर केन को नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज डैमेज कॉज बाय चीलो इन्फेस्टेलिस कि चीलो इन्फेस्टेलिस जो मौत है विच बिलोंग्स टू दी अदर ऑर्डर कॉजेज विच इन्फेस्ट और डैमेज द क्रॉप शुगर केन तो ये किस तरह की जो है ये डैमेज कॉज करती है तो जैसे हमने लाइफ साइकिल में देखा ये जो कैटरपिलर या जो लार्वा है चिलो इनफेस्कटेलस का ये बोर करता है स्टेम के अंदर और ये अटैक करता है फुल ग्रोन केन्स पे यानी कि पूरे तरह से जो गन्ने की खेती जब तैयार होना शुरू हो जाती है फुली ग्रोन हो जाती है केन तब ये अटैक करना शुरू कर देता है और इसका कैटर पिलर जनरली ये जो पेस्ट का जो कैटर पिलर है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या इन्फेस्टेशन करता है डैमेज करता है क्रॉप को दे फीड ऑन द स्टेम कॉन्टेंट्स एंड द होल प्लांट मी विद तो पूरे के पूरे स्टेम कॉन्टेंट पे क्योंकि वो पूरा मेन जो उसका स्टेम है उसी पे फीड करना शुरू कर देते हैं जिस कारण सारा का सारा जो प्लांट है वो टूटना शुरू हो जाता है यानी गिरना शुरू हो जाता है यहाँ पे लिखा है कि विल्टिंग स्टार्ट्स विद द ड्राइंग अप ऑफ सेंट्रल शूट देखो सेंट्रल शूट से ही जो है कंडक्शन होती है यानी कि वाटर कंडक्शन फूड कंडक्शन जाइलम का सिस्टम फ्लोइम का सिस्टम पूरा सेंट्रल शूट से होते हुए ऊपर तक प्लांट तक जाता है लेकिन क्योंकि सेंट्रल शूट पे तो जो है पेस्ट ने या इसके कैटरपिलर ने अटैक कर दिया हुआ है टनल्स बना दिए हुए हैं जिसके कारण क्या होता है कि ड्राइंग अप मतलब कि सूखना शुरू हो जाता है प्लांट और विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है विल्टिंग होती है कि प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाना जिसके कारण वो सूखना स्टार्ट हो जाता है गिरना ख़राब होना सड़ना शुरू हो जाता है और इसी कारण इसको जो है डेड हार्ट कहा जाता है डेड हार्ट्स हमने पढ़ा था स्केरपोहागानी वेला में कि वहाँ पे बंची टॉप्स बनते हैं वहाँ पे भी डेड हार्ट की कंडीशन आती है तो सेम लाइक दैट इस केस में भी जब चिलो इन फेस्कटेलिस मॉथ अटैक करता है उस टाइम पे भी डेड हार्ट की कंडीशन आती है क्योंकि सेंट्रल शूट को जो है पूरा डैमेज कर देता है ये पेस्ट तो कैटरपिलर डैमेज द होल शुगर के नाउ ये अगर पूरा अमाउंट देखें कि पूरी लॉस कितनी होती है तो दस से बीस प्रतिशत तक का नुकसान जो है वो हो सकता है आ, वो हो सकता है क्रॉप में so there may be 10 to 20 percent loss of the yield. लेकिन इसके कंट्रोल मैनेजमेंट भी हैं so, spray lindane emulsions on the cane sets सेट्स uh, placed in furrows before covering them with soil. तो so, इसको स्प्रे किया जा सकता है केन के सेट्स पे जो कि फ़रोज में मतलब कि गड्ढों में जो है इसको किया जा सकता है बिफ़ोर कवरिंग with विद दॉयल तो केन को लगाने से पहले उनको मतलब कि उगाने उगाने के वक्त ये स्प्रे जो है की जा सकती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द बेस्ट चिलो इन्फस्किटेल इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेम शुगर केन स्टेम बोरल सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो नफ डिड दैन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट